खबर नौहर से है, जहां सराना की शिक्षिका तथा नौहर की बेटी सोशी शालू मिश्रा के बनाए गए प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तर पर होने पर 12 मई 2023 को एनसीईआरटी व आरएससीईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक महोदया कविता जी पाठक व आरएससीईआरटी की पूरी टीम द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शालू के इस शैक्षिक नवाचार के प्रोजेक्ट ने महती लोकप्रियता बटोरते हुए राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम में हमने सिर्फ तीन ही प्रोजेक्ट्स नई दिल्ली भेजे थे, जिसमें सुश्री शालू मिश्रा जो की अध्यापिका पद पर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय सराना आहोर जिला जालोर में पदस्थापित है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने शिक्षिका शालू ने बताया कि विद्या अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य के समस्त शिक्षकों में से शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधि आधारित शिक्षण के प्रोजेक्ट तैयार करवाए गए, जिनमें से मात्र 15 शिक्षकों के प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तर पर किया गया। जालोर जिले से एकमात्र आहोर ब्लॉक के राबाऊ प्रावी सराना की शिक्षिका शालू मिश्रा के कार्य का चयन करते हुए राज्य स्तर पर नवाचारी शिक्षा शास्त्र के रूप में सम्मानित किया गया, जो कि संपूर्ण जालोर जिले के लिए गौरव का क्षण है। जालोर जिले के शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी व शिक्षक वर्ग ने मिश्रा को बधाई देते हुए बेहद प्रशंसा जाहिर की। गौरतलब है कि शिक्षिका शालू मिश्रा विद्यार्थियों को समर्पित भाव से डिजिटल तकनीकी व शैक्षिक नवाचार गतिविधि के माध्यम से बहुत ही रुचिपूर्ण श्रेष्ठ शिक्षण कार्य करवा रही हैं। इतने कम समय में शिक्षा विभाग का कोहिनूर बनकर अनूठी पहचान बनाने के कारण इनको ब्लॉक जिला व राज्य स्तर पर अब तक अनेकों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मैं शालू मिश्रा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सराना ब्लॉक आहोर जिला जालोर में कार्यरत हूँ। आप सभी को बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार और एनसीईआरटी आरएसईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में विद्यामृत महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर कुछ प्रोजेक्ट मंगवाए गए थे। उसी के अंतर्गत राज्य स्तर पर 15 प्रोजेक्ट का चयन किया गया है, जिसमें से मेरे प्रोजेक्ट को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। मेरे डिजिटल तरीके से पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को सभी ने सराहा और आज यह राज्य स्तर तक पहुंचा है, तो मैं समस्त सराना ग्रामवासियों, मेरे गृह जिले हनुमानगढ़ वासियों एवं स्टाफ साथी शिक्षा अधिकारियों समस्त जालोर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों में अपार खुशी की लहर है कि राज्य स्तर पर मेरा चयन किया गया है। तो यही शुभकामनाएं व शुभ आशीर्वाद भविष्य में भी इच्छा रखती हूँ। धन्यवाद।